हाय फ्रेंड्स, नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? हम आ चुके हैं मुंबई। तो मुंबई में ये हम एंटर करते ही हमको ये दिख गई बहुत ही ब्यूटीफुल विंटेज कार, और बहुत ही सुंदर थी ये। और लेफ्ट साइड ड्राइविंग वाली ये कार है। अभी तो ऐसी विंटेज कार देखने के लिए बहुत कम मिलती है, और एकदम मेंटेन करके रखी है कार, बहुत ही सुंदर लग रही है। और सुबह का वक्त है, अर्ली मॉर्निंग, करीबन 8:30 बजे हैं, तो कुछ इस तरह का व्यू है बीच का। और सुबह सुबह मॉर्निंग में काफ़ी लोग यहाँ पर वॉकिंग करने के लिए आते हैं, गेम्स वगैरह खेलने के लिए आते हैं। और समुद्र की लहरें एकदम शांत है, बहुत कम अभी पानी है यहाँ पर। अभी विंटर का टाइम है, पर ठंडी बिल्कुल भी नहीं है। और मुंबई और सूरत का एटमोसफियर मोस्टली सेम ही होता है। जैसे कि मुंबई में बीच है, वैसे ही सूरत में आपको बीच मिल जाएगा। और ये सामने आप देख सकते हो हाई राइज बिल्डिंग, काफ़ी सुंदर दिखाई देती है। और वहाँ बिल्डिंग से तो बीच का व्यू तो बहुत ही सुंदर दिखाई देता होगा। ज़्यादा तेज लहरें नहीं है, अभी तो शांत है एकदम पानी। बीच घूम के हम आ चुके हैं कोलाबो, तो वहाँ पर है गेटवे ऑफ इंडिया। तो मुंबई आने वाला कोई भी व्यक्ति हो तो वो हमेशा गेटवे ऑफ इंडिया तो ज़रूर घूमने आता ही है। कहीं और जाओ मत जाओ, पर गेटवे ऑफ इंडिया ज़रूर आते हैं। और आप देख सकते हो काफ़ी फॉरेनर्स भी यहाँ पर आए हुए हैं। और यहाँ पर होगा सिक्योरिटी चेक, तो वो चेक कराते हैं, फिर चलते हैं अंदर। अब हम आ चुके हैं अंदर की साइड में, और सामने ही हमको गेटवे ऑफ इंडिया दिख रहा है। तो चलिए चलते हैं पास से गेटवे ऑफ इंडिया देखते हैं, और उसकी हिस्ट्री के बारे में मैं आपको बताऊंगी। और यहाँ पर आप देख सकते हो काफ़ी लोग आए हुए हैं, काफ़ी क्राउड है, हज़ारों में या लाखों में लोग यहाँ पर गेटवे ऑफ इंडिया देखने के लिए आते हैं। और आज है संडे, तो करीबन 10:45 बजे हैं सुबह के, और तो इतना क्राउड है, तो दिन में तो बहुत ज़्यादा क्राउड होने वाला है। गेटवे ऑफ इंडिया के सामने की साइड में ही है ये ताज होटल, 5-स्टार ताज होटल है, काफ़ी सुंदर और काफ़ी बड़ा होटल है इंडिया का। ये होटल बना था 1903 में, तो इसको करीबन 120 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं होटल को, और बहुत ही सुंदर और बहुत ही एक्सपेंसिव होटल है ये इंडिया का। और उसके पास में ये जो आपको दिख रहा है ये 5-स्टार, ये भी ताज की ही प्रॉपर्टी है, ये पूरा नया बनाया है इन्होंने। ये गेटवे ऑफ इंडिया है, और इसके एग्जिट सामने ही आपको ताज होटल दिखाई देता है। ये सामने जहां से हम एंटर हुए थे अंदर, काफ़ी सारी फॉरेन कंट्री से यहाँ पर लोग विजिट करने के लिए आते हैं, और इंडिया में आते हैं तो गेटवे ऑफ इंडिया ज़रूर आते हैं। काफ़ी सारी बोट्स आपको यहाँ पर दिखाई दे जाती हैं, तो यहाँ पर आप बोट राइड्स भी कर सकते हो। और यहाँ पे है एक आइलैंड, तो वहाँ जाना चाहते हो तो वहाँ भी आप जा सकते हो, एलिफेंटा केव। तो वहाँ जाने के लिए आपको 1 घंटे का टाइम लगेगा बोट के अंदर, और फिर वहाँ पर बहुत सारी केव्स बनी हुई है, तो वो आप देख सकते हो, वो भी काफ़ी सुंदर जगह है। पर वहाँ जाना हो तो आपको पूरा 1 दिन लग ही जाता है, 1 घंटा जाने का, 1 घंटा आने का, फिर वहाँ पर आप घूमते हो तो टाइम तो लगता ही है। चलिए मैं आपको थोड़ा इंडिया गेट के इतिहास के बारे में बता देती हूँ। इंग्लैंड के किंग जॉर्ज और क्वीन मैरी यहाँ इंडिया आ रहे थे, तब ये गेट बनने की प्रक्रिया शुरू हुई थी। तो वो जब आए तब ये गेट नहीं बना था, उन्होंने सिर्फ इसका मॉडल देखा था। 1911 में वो यहाँ पर आए थे। उसके बाद 31 मार्च 1913 के में मुंबई के गवर्नर ने यहाँ पर इसकी नींव रखी थी, और इसका कंस्ट्रक्शन का काम 1920 में स्टार्ट हुआ था, जो 4 साल बाद कंप्लीट हुआ 1924 के अंदर। और फिर 4 दिसंबर 1924 के अंदर इसका इनॉग्रेशन हुआ था, और इसे लोगों के लिए खोल दिया गया था। और इस इमारत की हाइट की बात करूं तो मैं 26 मीटर लंबी है, 85 फीट है, और उस वक्त इसको बनाने में 21.13 लाख पूरा खर्चा आया था, और ये 8
फ्लोर की पूरी हाइट है इस इमारत की। और मोस्टली जो भी विदेशी यहाँ पर इंडिया आते थे तो वो यहाँ से ही एंटर करते थे इंडिया के लिए। और आज़ादी में भी इसका काफ़ी बड़ा महत्व है। यहाँ पर आखिरी जो आज़ादी की लड़ाई है वो लड़ी गई थी, और अंग्रेज़ों का जो आखिरी जहाज़ था वो यहाँ से ही गया था। और ये अंदर से कुछ इस तरह का पूरा दिखाई देता है, और इसके अंदर दो बड़े हॉल हैं तो उसके अंदर करीबन 600 लोग एक साथ में बैठ सकते हैं। और पहले तो यहाँ पर अंदर भी जाने दिया जाया करता था, पर अभी ये पूरा बंद कर रखा है और कुछ इस तरह से पूरा दिखता है जो आप देख सकते हो। और इसके आर्किटेक्चर की बात करूँ तो मैं रोमन और गुजराती जो आर्किटेक्चर था 16th century का, तो उसको मिला के ये पूरा बनाया गया है। और ये आप यहाँ पर देख सकते हो, काफ़ी सुंदर ही कलाकारी की गई है। और ये जो आपको जालियाँ दिखाई दे रही है, तो ये आपको गुजरात में काफ़ी जगह पर कई पुरानी इमारतों में आपको देखने को मिल जाती हैं। और ये इतना ब्यूटीफुल है तो इसे मुंबई का ताजमहल भी कहा जाता है। जहाँ से हम एंटर हुए थे उस साइड इसका बैक साइड है, और इसका फ्रंट साइड कैसा है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। जहाँ पर समुद्र है, समुद्र से जहाँ बोट आती है वो इसका फ्रंट साइड है। ये हम आ चुके हैं फ्रंट साइड की तरफ, तो फ्रंट साइड में कुछ इस तरह का पूरा ये गेटवे ऑफ इंडिया दिखाई देता है। काफ़ी भीड़ और काफ़ी लोग यहाँ पर देखने के लिए आए हुए हैं, और यहाँ पर बोट्स भी काफ़ी सारी हैं। आप चाहो तो आप बोट्स में राइड भी कर सकते हो, तो हम भी करेंगे तो आपको मैं आगे दिखाऊंगी। और ये पूरा आप देख सकते हो कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। मैं आपको पास से जूम करके भी दिखा देती हूँ कि किस तरह की पूरी यहाँ पर डिज़ाइन वगैरह बनाई गई है। ये इसका टॉप का जो हिस्सा होता है मीनार है, तो कुछ इस तरह की दिखाई देती है, और बहुत ही सुंदर है ये। तो गेटवे ऑफ इंडिया का यहाँ से तो व्यू मैंने आपको दिखा दिया, अब करेंगे बोट राइड और वहाँ से कैसा व्यू आता है इसका ये भी मैं आपको दिखाऊंगी। और अगर आप एलिफेंटा केव जाना चाहते हो तो यहाँ से ही बोट ले सकते हो। तो यहाँ पे जिस बोट में हम आए हैं तो वो हमको पूरा घुमा के भी लाएंगे, और पूरा जो भी गाइड होगा वो भी करेंगे। यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं तो उसके बारे में हमें बताएंगे। और कुछ इस तरह की स्पीड बोट में आप बैठना चाहते हो तो उसमें भी बैठ सकते हो। काफ़ी सारी बोट यार्ड आपको यहाँ पर मिल जाती हैं। यहाँ पर नेवी का भी पूरा एरिया बनाया है, तो उसके बारे में बता रहे हैं। और इस साइड में देखिए रिग है, ऑयल रिग। सामने देखिए समुद्र के बीच में बड़े बड़े टावर दिखाई देंगे, वो रिग है, ऑयल रिग है। और उसी के बाजू में विजय दीनानाथ चौहान का गांव है, अमिताभ बच्चन का नाम सुने हैं, मांडवा। जो अग्निपथ मूवी में बताया गया है, मांडवा का KGS मूवी में बताया गया है। एक साइड में आइलैंड आपको दिखाई देगा, सामने से और यहाँ पे ये बंदरगाह है, जैन पेटी नवाज हुआ, जवाहरलाल नेहरू फोर्ट है, यहाँ से एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का कैंटीन है। सामने ये बड़ी बड़ी शिप लगी है, उसके बैक साइड में बंदरगाह है, और उसके पीछे नवी मुंबई है। और ये सामने आपको दिखाई दे रहा है वो आइलैंड है, तो कुछ इस तरह का पूरा एलिफेंटा केव वहाँ पर ही है। तो अगर वहाँ जाना चाहते हो तो आप वहाँ भी जाके आ सकते हो। हम वहाँ नहीं जा रहे हैं, हम वापस रिटर्न चलेंगे। तो सिर्फ हम राइड बोट राइड ही करने आए थे, और ये पूरा मुंबई कुछ इस तरह का दिखाई दे रहा है। हाई राइज बिल्डिंग है और बहुत ही सुंदर लग रहा है। और मैं थोड़ा जूम करके दिखा देती हूँ आपको, ताज होटल और गेटवे ऑफ इंडिया कुछ इस तरह का दिखाई दे रहा है इतनी दूर से।
तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारी शिप्स और बोट मिल जाती हैं राइड करने के लिए, और यहाँ पर बोट यार्ड भी है और काफ़ी सुंदर सुंदर आपको बोट्स मिलती हैं। आप प्राइवेट कर बोट करना चाहते हो तो वो भी आप यहाँ पर करके पूरा राइड वगैरह कर सकते हो। और यहाँ का व्यू तो बहुत ही सुंदर लग रहा है, काफ़ी सारे बिल्डिंग्स हैं, आगे यहाँ पर बोट्स हैं, तो बहुत ही सुंदर व्यू आ रहा है यहाँ का। अब रिटर्न हम वापस चल रहे हैं, किनारे पर जाएंगे गेटवे ऑफ इंडिया पर, और करीबन हमको एक घंटा लग गया पूरी राइड कंप्लीट करने में। अभी तो पहुंचना बाकी है, तो एक घंटा अप्रॉक्स पूरा हो जाएगा। और ये बोट्स आप देख सकते हो, काफ़ी सारी बोट्स हैं और ये पूरी बोट्स सब राइड्स के लिए हैं। इसका मतलब आप सोच सकते हो कि इतने लोग यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर बोट राइड करते हैं, बहुत टूरिस्ट आते हैं। और यहाँ से गेटवे ऑफ इंडिया कुछ इस तरह का दिखाई दे रहा है, और उसके पास में ही ताज होटल है, तो बहुत ही सुंदर यहाँ का व्यू आ रहा है। अभी तो पानी बहुत शांत है, एकदम पूरा स्टेबल है पानी, पर जब बारिश होती है तब बहुत ज़्यादा यहाँ पर पानी होता है। और जहाँ पर ये ऊपर सब खड़े हैं ये एरिया भी पूरा बंद हो जाता है, पानी ऊपर तक आ जाता है, तो यहाँ पर गेटवे ऑफ इंडिया के पास में एंट्री बंद कर देते हैं। ये जगह पर जहाँ पर ये सब खड़े हैं वहाँ तक पानी आ जाता है कभी ज़्यादा बारिश होती है तब। तो मुझे तो बोट राइड करके बहुत अच्छा लगा। अगर आप गेटवे ऑफ इंडिया पर आ रहे हो तो बोट राइड ज़रूर से करें, तो वहाँ से आपको गेटवे ऑफ इंडिया का व्यू बहुत सुंदर आएगा। और आपको अगर मुंबई का इंटरनेशनल एयरपोर्ट कैसा दिखाई देता है वो देखना, तो इससे पहले का वीडियो मैंने डाला है, उसमें आपको पूरा मुंबई का इंटरनेशनल एयरपोर्ट कैसा दिखाई देता है वो दिखाया है मैंने। और हम कोई रेस्टोरेंट्स में खाना खाने गए थे वो भी मैंने उसमें दिखाया है। सूरत से मुंबई आए थे तो रोड ट्रिप में कैसे सुंदर सुंदर नज़ारे थे वो भी मैंने आपको दिखाया है, तो आप डेफिनेटली वो वीडियो भी ज़रूर से देख लेना। और पूरा वीडियो ये जो था ये आपको देख के कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा। और सूरत से मुंबई तो पास में है, तो नेक्स्ट टाइम आएंगे और भी जो जगह है मुंबई की देखने की वो भी दिखाएंगे। तो ये वीडियो देख के आपको कैसा लगे ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आता हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कर लेना चैनल को। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।